पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मिर्ची बाजार परिसर के गोदाम में छापा मारकर नकली तेल की बिक्री के एक मामले का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर 4,26,000 का माल जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ब्रांडेड कंपनियों के बैनर तले घटिया और निम्न स्तर के तेल को पैक कर बेच रहे थे। लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत मिर्ची बाजार परिसर में एक गोदाम में छापा मारकर क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने नकली तेल की बिक्री के एक मामले का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर 4,26,830 रुपयों के माल को बरामद किया गया है। आरोपी ब्रांडेड कंपनियों के बैनर तले घटिया और निम्न स्तर के तेल को पैक कर बेच रहे थे। गोपनीय जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में आगे की कार्रवाई FDA के अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 की टीम को गोपनीय जानकारी मिली थी कि लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत मिर्ची बाजार परिसर में त्योहारों के मद्देनजर नकली तेल को ब्रांडेड कंपनी के बैनर तले बेचा जा रहा है और इसी सूचना पर पुलिस ने शंकर ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।